नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सबका स्वागत है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ भाजपा हुई आक्रामक। 14 जिलों के 14 अवैध शराब ठेकों को सील करेगी भारतीय जनता पार्टी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ पार्टी पहले से भी अधिक आक्रामक आंदोलन चलाएगी। उन्होंने कहा है कि गुरुवार को दिल्ली के सभी 14 जिलों के 14 शराब के ठेकों को पार्टी के पदाधिकारी, विधायक एवं कार्यकर्ता मिलकर सील करने जा रहे हैं और आने वाले समय में अवैध शराब की दुकानों को सील करने की संख्या और भी बढ़ेगी। आदेश गुप्ता ने नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधोड़ी के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ये बातें कही। दिल्ली के साथ साथ देश की जनता भी प्रभावित होगी। ये एक झूठ को हजार बार बोलो तो सच माना जाता है और अरविंद केजरीवाल केवल झूठ बोलने का रास्ता है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने कुछ कड़े फैसले ऐसे किए हैं संगठन और दिल्ली नगर निगम के साथ मिलकर के, जिससे दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल की भ्रष्ट नीतियों से निजात मिल सके। उस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने कुछ कड़े फैसले ऐसे लिए हैं संगठन और दिल्ली नगर निगम के साथ मिलकर के, जिससे दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल की भ्रष्ट नीतियों से कुछ निजात मिल सके। उस संदर्भ में श्री आदेश गुप्ता जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री रामवीर सिंह जी विधोड़ी एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और इस प्रेस वार्ता में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई राजन तिवारी और मेरी सहयोगी प्रवक्ता अनुजा कपूर भी उपस्थित है। मैं आदेश जी से निवेदन करूंगा कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद नवीन जी, सभी को नमस्कार, मीडिया के मित्रों को। आज की प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी, श्री राजन तिवारी जी, नवीन कुमार जी और प्रवक्ता अनुजा जी, सभी मीडिया के मित्रों, आज दिल्ली के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार द्वारा जो शराब के हजारों ठेके खोलकर दिल्ली के युवाओं, दिल्ली की महिलाओं और दिल्ली के गरीबों पर जो उन्होंने कुठाराघात किया है, और देखने में आ रहा है कि किस तरह जब से दिल्ली के अंदर शराब के ठेके खुले हैं तब से दिल्ली में क्राइम बढ़ा है, घरों के अंदर कलेश बढ़े हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री उससे बेपरवाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अनेक और इसके साथ हमने एक बहुत बड़ा अभियान जिसमें जनमत अभियान चलाया, जिसमें 11 लाख से ज्यादा लोगों को जनमत इकट्ठे किए और वो जनमत दिल्ली की विनाशकारी शराब पॉलिसी के खिलाफ आए। और अब दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है, पिछले जितना भी काम हम लोगों ने किया शराब नीति के खिलाफ, उससे कई जगह शराब के ठेके जो अवैध थे वो बंद किए। खुद मैंने स्वयं जाके शराब के ठेके बंद कराने का काम किया है जो इलीगल थे, जो अनऑथराइज एरिया में थे, जो खुलने नहीं चाहिए ऐसी जगह थे। और आजादी के बाद शायद दिल्ली पहला ऐसा राज्य है जहां पर कभी भी ठेके नहीं खोले गए या कभी भी नहीं खोलने चाहिए। ऐसे 123 वार्ड दिल्ली के अंदर है जहां गांव का इलाका है, जहां अनऑथराइज कॉलोनी है, जहां मिक्स लैंड यूज है, कभी भी वहां ठेके नहीं खुल सकते, कानून उसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी ने शराब माफिया के साथ गठबंधन किया और वो गठबंधन आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली की जनता के सपनों पर कुठाराघात किया। और उसके बाद यहां हजारों ठेके खोलने का
खोलने के एवज में जो आम आदमी पार्टी को ने भ्रष्टाचार किया, दिल्ली सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया, शराब माफिया को कई तरह की छूटे प्रदान की, उसमें एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने की स्कीम भी शामिल है, उसमें 21 ड्राई डे को कम करके ठीक करने की भी शामिल है। तो इन सब बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अब ये तय किया है कि कल भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, मैं स्वयं, हमारे नेता विपक्ष, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे सांसद 14 स्थानों पर ऐसे इलीगल ठेकों को सील करेंगे जो गलत तरीके से दिल्ली सरकार की नीतियों के कारण खुले हैं और जिससे वहां की जनता बहुत परेशान है। मुझे आज ही कुछ महिलाएं मिलने के लिए आई, बोले हमने न्यू कोंडली पर धरना दिया था और वहां शराब का ठेका खुला था और आज वो ठेका हमने बंद करा दिया है। तो हमने उन्हें बधाई दी, हमने कहा आपने, आप बहनों ने अच्छा काम किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को बहनों को, महिलाओं को भी शराब के नशे में डुबोना चाहते हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया है और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता, दिल्ली की महिलाओं के साथ है, उनकी आवाज पर, मार्केट वाले लोगों की आवाज पर, दिल्ली की जनता की आवाज पर, दिल्ली की महिलाओं की आवाज पर, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी वालों की आवाज पर कल हम 14 स्थानों पर शराब के ठेके सील करेंगे। और मैं स्वयं पटेल नगर के अंदर जो मेन मार्केट के अंदर शराब का ठेका खुला है उसको सील करूंगा। हमने एमसीडी से भी कहा है कि उनको नोटिस दीजिए और जो भी इलीगल तरीके से खोले गए ठेके हैं उन सबको धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी बंद करेगी, क्योंकि दिल्ली सरकार दिल्ली को बर्बाद करने पर आमादा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को इसकी कोई चिंता नहीं है। जो कहते हैं हम कट्टर हैं, कट्टर हैं, वो वास्तव में कट्टर हैं, वो कट्टर झूठे हैं, वो कट्टर बेईमान हैं, वो कट्टर देशद्रोही हैं, वो कट्टर ही है, निश्चित रूप से कट्टर हैं। अपनी बात से मुकरने वाले वो कट्टर दोगले भी हैं, जिन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि जब हम आएंगे तो शराब के ठेके खुलेंगे नहीं और बंद कराएंगे। ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा था जो स्वराज में है, इसलिए वो अब कट्टर दोगले भी हो गए हैं। ये बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। कल हम लोग 14 स्थानों पर शराब के ठेके सील करने जा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैनेजर जी। मेरा निवेदन है नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा श्री रामवीर सिंह जी विदोही जी से कि वो एक्सप्रेस वार्ता को संबोधित करें। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, प्रदेश के सम्मानित उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र तिवारी जी, मीडिया के प्रमुख आदरणीय नवीन कुमार बिंदल जी, पार्टी के प्रवक्ता बहन पूजा कपूर जी, मीडिया के सभी सामान्य साथियों, जब से नई शराब नीति आई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 601 स्थानों पर शराब के ठेके खुलवा दिए हैं। और जो मेरी जानकारी है इसमें 183 शराब के ठेके ऐसे हैं जो मास्टर प्लान का वॉयलेशन करके या जो नियम बनाए गए हैं कि जहां शराब का ठेका खोला जाए उससे 100 मीटर की दूरी पर स्कूल, हॉस्पिटल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च होना चाहिए। 183 शराब के ठेके मास्टर प्लान का और नई शराब नीति का उल्लंघन करके खुले हुए हैं। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में कल ऐसे 14 शराब के ठेकों को बंद किया जाएगा और भविष्य में, क्योंकि इस संबंध में
मेरी भी और अध्यक्ष जी की दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से भी चर्चा हो चुकी है, तीनों म्युनिसिपल कमिश्नर्स के साथ चर्चा हो चुकी है और इस संबंध में वाइस चेयरमैन डीडीए के साथ भी हमारी चर्चा हुई है कि मास्टर प्लान का वॉयलेशन करके जहां जहां शराब के ठेके खुले गए हैं इनको बंद करने की तैयारी कर ली है, हर कीमत पर बंद होंगे, केवल शराब के ठेके वहां खुले जा सकते हैं जहां सरकार ने मार्केट्स बनाई है या दिल्ली के अंदर जो कमर्शियल रोड्स हैं। बाकी दिल्ली में शराब के ठेके नहीं खुले जा सकते हैं। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने हाउस में कहा है कि दिल्ली में ऐसे 123 म्युनिसिपल वार्ड्स हैं जहां शराब के ठेके नहीं खोले जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मास्टर प्लान का वॉयलेशन करके जो नियम बनाए हैं या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके अरविंद केजरीवाल की सरकार ने शराब के ठेके खोले हैं, जो खोले हैं वे सभी श्री आदेश गुप्ता के नेतृत्व में बंद किए जाएंगे। जहां शराब के ठेके खुल सकते हैं नियम अनुसार, हमारा मास्टर प्लान जहां परमिट करता है, अरविंद केजरीवाल शौक से खोले, हम उनका कहीं विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम रिहायशी क्षेत्रों में और मास्टर प्लान का वॉयलेशन करके या किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च स्कूल के आसपास जो शराब के ठेके खुले हुए हैं पक्के तौर पर वे बंद होंगे, यही मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं। हाँ बोलो सर। अवेश जी, आप बोल रहे हैं कि दिल्ली सरकार जो है नियमों का उल्लंघन करके शराब के ठेके भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जाकर उसको सील करेंगे, तो क्या नियम के अनुसार होगा जब आपके पास नगर निगम है, डीडीए है, दिल्ली पुलिस है, कि भाजपा कार्यकर्ता खुद एक कानून को अपने हाथ से क्यों ले रहे हैं? देखिए, जिस तरह दिल्ली के अंदर जो शराब के ठेके खुले, हमने उन शराब के ठेकों जो अवैध रूप से खुले हुए हैं उन शराब के ठेकों पर निगम ने भी संज्ञान लेकर उनको नोटिस दिया है, लेकिन बहुत ऐसे ठेके हैं जो मंदिर, जो धार्मिक स्थल है स्कूल के आसपास, उन पर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग की जिम्मेदारी है कि ऐसे जगह को वो चिन्हित करें और उनको वो बंद करें, सील करें, लेकिन दिल्ली सरकार इस मामले में वो शराब माफिया के साथ मिल चुकी है। अगर कोई भी सरकार इस तरह काम करती है वो जनता के खिलाफ, जनता त्राहि त्राहि करे, जनता परेशान हो, लोग परेशान हो, तो विपक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पहले उनको चेतावनी दें और चेतावनी देने के बाद वो काम हम स्वयं करें। मैं ये समझता हूं कि कोई भी काम कानून के खिलाफ नहीं होगा, जो भी काम होगा वो कानून के अंतर्गत होगा, और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने हमने पहले ही उनको कहा था कि आप अपनी पॉलिसी वापस लाओ, जब तक पॉलिसी नहीं वापस लाओगे, हमारा पहला ही मतलब पॉलिसी आपको वापस लेनी है, अगर नहीं लाते हो तो जितने इलीगल और जितने भी ऐसी जगह खिले उनको आप सील करें। जो अपने बंद करने जा रहा है कि लाइसेंस कैंसिल करने जा रहे हैं, दोनों को अलग अलग चीज है। देखिए, हम सील करने के लिए जा रहे हैं, बंद करने और सील करने में कोई ज्यादा अंतर नहीं, सील नहीं होगा, लाइसेंस कैंसिल भी होगा। लाइसेंस कैंसिल करना दिल्ली सरकार का। नेक्स्ट। अब तक जो आपने सीलिंग किया या प्रतीकात्मक तौर पर आपने सील किया उनका क्या स्टेटस है ऑन रिकॉर्ड, और दूसरा अपने वार्ड में शायद पहली बार आप ऐसा करने जा रहे हैं, इसके देखिए, हमने अभी तक जहां जहां सील किए हैं वहां वो अभी सील है, और वो इलीगल या मिसलैंड उस पर या वहां पर कोई ना कोई उल्लंघन था वो अभी भी सील है, चाहे वो मोती नगर हो या फिर कहीं भी हो, तो वो अभी भी सील है। दूसरा, जितने भी हमने अभी 14 लिए हैं 14 में पटेल नगर की है, तो अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।